नमस्ते दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में वी कॉलर नेक में स्टार शेप किस तरह से बनाते हैं उसकी इजी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। और उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, तो हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहेंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कॉलर नेक के लिए पहले हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड फ्रिजिंग पेपर लिया है। अब जो भी आपकी विड्थ है उसमें प्लस 1 इंच हमें ऐड करना है कॉलर के लिए। यहाँ मेरी 3 इंचेस विड्थ है तो यहाँ 4 इंचेस पे मार्क करना है। जो भी आपकी टोटल मेज़रमेंट है उसमें भी हमें 1 इंच ऐड करना है। यहाँ मेरी 7 इंचेस थी तो 8 इंचेस पे मैंने मार्क किया है। 1 इंच चौड़ा कॉलर बनेगा, तो इस तरह डबल फोल्ड में हम हाफ पे मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए इस तरह ग्लास शेप देंगे। बाहर की तरफ इस तरह 1 इंच का गैप देके इस नेक लाइन की कटिंग करेंगे। ये स्टार कॉलर नेक बनाने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह नेक लाइन की कटिंग होने के बाद अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। ये पेस्टिंग के बाद मैंने बाहर की तरफ से फोल्ड कर लिया है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे जो भी आपने विड्थ रखी है वहाँ सेम मार्क कर लें। दोनों सेंटर्स को भी अच्छे से मिलाते हुए अब पूरी नेक लाइन की पहले हम स्टिच करेंगे। जैसे हम कोई भी सिंपल नेक की स्टिचिंग करते हैं, बस सेम उसी तरह से हमें यहाँ ग्लास शेप की स्टिचिंग करनी है। पूरी स्टिचिंग होने के बाद सेंटर में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और दोनों कॉर्नर्स पे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह मैंने नेक लाइन को रेडी किया है। अब पहले हमें शोल्डर लाइन को स्टिच करना है। शोल्डर लाइन स्टिच होने के बाद बैक पोर्शन में हमें कोई भी नेक लाइन की कटिंग नहीं करनी है, स्ट्रेट रहने देना है। देखिए, वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब हम कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। उसके लिए इस तरह से हमें डबल फोल्ड रखना है। अब यहाँ से हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और इस तरह मेज़र टेप को पूरे नेक लाइन पर घुमाते हुए मेज़र लेंगे। यहाँ कॉलर मेज़रमेंट आ रही है 13 इंचेस। यहाँ जो भी वी शेप है उसके बिल्कुल हाफ में हमें एक मार्क करना है। यहाँ हाफ पर हम स्टार शेप बनाएंगे। देखिए, यहाँ से ये जो मेज़रमेंट आ रही है 5 इंचेस, ये ध्यान रखनी है। और कॉलर की चौड़ाई हमें देखिए इतनी लेनी है। जो भी गैप है उसमें आपको सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। कॉलर के लिए मैंने ये डबल फोल्ड फ्रिजिंग पेपर लिया है। लेंथ में हम 13 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पहले हम 1/2 इंच तक इस तरह से छोड़ देंगे। अब इसके बाद टोटल जो भी आपको कॉलर की विड्थ रखनी है, यहाँ मेरी 1¼ इंच है तो टोटल हम 1¼ पे इस तरह से मार्क करेंगे। ये हमारी टोटल कॉलर की विड्थ हो चुकी है। अब यहाँ हमें स्टार शेप देना है। हमने मेज़रमेंट किया था कि हमें 5 इंच पे मार्क करना है। 5 इंच पे हम इस तरह से दोनों साइड मार्क करेंगे। अब इसको सेंटर में लेके इस तरह वी शेप देंगे।
अब इस कॉलर की हम कटिंग कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है इस नेकलाइन बनाने का। बिगनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं। ये वी कॉलर नेक है, इसलिए हमने ये कॉलर स्ट्रेट में लिया है। यहाँ पर कॉलर में हम इस तरह से वी में कट लगा देंगे। ये कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब इसको फैब्रिक पर पेस्ट करना है इस तरह से। ऊपर की तरफ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और नीचे की तरफ ही 1/2 इंच फोल्डिंग के लिए लिया है। अब इसको इस तरह डबल फोल्ड करके फैब्रिक को जो हमने वी में कट लगाए हैं सिर्फ हमें वहाँ पर स्टिच करना है। दोनों साइड वी पर हम सेम इसी तरह स्टिच कर लेंगे। यहाँ वी में एंड तक हम इस तरह कट लगाएंगे। दोनों तरफ इस तरह स्टिचिंग होने के बाद अब कॉलर को सीधा कर लें। कॉलर को सीधा करने के बाद इसको एक बार अच्छे से आयरन ज़रूर करें। आयरन करने के बाद ही आप कॉलर को अटैच करें। अब नीचे की तरफ जो मैंने एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिया था उसे मैंने रफ स्टिच करके इस तरह फोल्ड किया है। अब देखिए जो हमने वी में कट लगाया है कॉलर पर उसे 5 इंच तक इस तरह सेट करना है। कॉलर को हमें यहाँ ग्लास शेप पर इस तरह से सेट करना है। अब हम पूरी नेकलाइन पर किनारी पर स्टिच करते जाएंगे। यहाँ बैक साइड में हमने नेकलाइन को कट नहीं किया है, उसे इस तरह से फोल्ड करके और कॉलर पे स्टिच करना है। अब दूसरी साइड भी हमें इस वी शेप को 5 इंच पे सेट करके इस तरह अच्छे से स्टार शेप देके और इस नेक लाइन को कंप्लीट करना है। वी कॉलर नेक स्टार शेप के साथ रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।